अगर आप भी हैं तंदूरी खाने के शौकीन और आपको स्पाइसी भी पसंद है तो ये तंदूरी चिली गार्लिक नूडल्स आपके लिए ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूरी चिली गार्लिक नूडल्स, वो भी घर पे बिना तंदूर के। नूडल्स बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले हमें नूडल्स बॉईल करनी है, उसके लिए पतीले में रखेंगे हम 4 कप पानी। जब वो बॉईल हो जाएगा उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच नमक। फिर हम उसमें डाल देंगे ये 200 ग्राम नूडल्स। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ऑयल, नूडल्स, नमक सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और इसे 90% कुक करेंगे, 100% कुक नहीं करेंगे। जब ये 90% कुक हो जाएगा, स्ट्रेनर में डाल के हम इसे छान देंगे और उसके ऊपर डाल देंगे खूब सारा ठंडा ठंडा पानी ताकि ये स्टिकी ना हो, और थोड़ा सा लगा देंगे ऑयल और एक फोक की हेल्प से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि ऑयल हर तरफ से कोट हो जाए नूडल्स पर। अब एक बोल में लेंगे हम 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च साबुत, यह आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे हम तोड़ देंगे और उसके ऊपर डाल देंगे 1 कप गरम गरम उबलता हुआ पानी, और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम अपनी सब्जियां काट लेते हैं। मैंने लिए हरे प्याज, अदरक, लहसुन, पनीर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर। सब्जियां आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं। इन्हें हम लंबा स्लाइसिस में कट कर लेंगे। ये देखिए सारी वेजिटेबल्स कट गई हैं। ये जो हमने मिर्ची भिगोई थी पानी में, ये भी सॉफ्ट हो गई है। इसे हम एक स्ट्रेनर से निकाल लेंगे और एक मिक्सी के जार में डाल देंगे, और 2 चम्मच पानी डालेंगे हम इसमें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट नहीं बनेगा, इस तरीके से हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल अच्छे से। इसका कलर कितना प्यारा रेड आया है एकदम, और ये बहुत तीखा नहीं है इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की थी। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल और डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे हम, और जो हमने ये पेस्ट रेडी किया था कश्मीरी लाल मिर्च का, वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा। स्लो फ्लेम पर इसे हम धीरे धीरे पकाएंगे ताकि ऑयल में भी इसका कलर आ जाए और इसका एक टेस्ट भी आ जाए, और ये कच्चा भी ना लगे बिल्कुल भी। ये देखिए 2 मिनट भून लिया हमने। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे, प्याज, शिमला मिर्च, हरे प्याज का जो ये वाइट वाला पार्ट होता है वो डालेंगे, और गाजर डालेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, और इसे हम भून लेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर सकते हैं क्योंकि हमने सब्जियां डाल दी हैं। अब हम इसमें पनीर भी डाल देंगे और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। अब बारी आती है सॉसेस की। इसमें सॉस बहुत ज़्यादा नहीं जाती, 1/2 चम्मच जाएगी सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच टमाटो केचप। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखी थी वो हम इसमें अच्छे से फैला कर डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना और खिली खिली नूडल्स हमारी रेडी हों। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा अजीनोमोटो, ये टोटली ऑप्शनल है आपके लिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हल्के हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, फ्लेम को हमें हाई कर देना है। अब आप चाहें तो फोक से भी इसे मिक्स कर सकते हैं ताकि ये नूडल्स टूटे ना। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये चिली गार्लिक नूडल्स हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन हमें इसे अभी तंदूरी फ्लेवर देना है। उसके लिए हम एक कोल को पहले जला लेंगे गैस पर चिमटे की हेल्प से, और फिर नूडल्स के बीच में रखेंगे एक मिट्टी का दिया। आपके पास दिया नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। इसमें डाल देंगे ये जला हुआ कोयला, थोड़ा सा डालेंगे बटर ताकि इसमें से धुआं निकले और हमारी नूडल्स में तंदूरी फ्लेवर आ जाए। 2 ही मिनट में हमारी नूडल्स में ये फ्लेवर आ जाएगा। अब हम ये दिया हटा देंगे जो कोयले वाला था, और नूडल्स हमारी तंदूरी वाली एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप गरम गरम सर्व कीजिए। जो भी इसे खाएगा इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगा। इसे मैंने स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।